चित्र भारती का ये कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में आज हम आप सब मित्रों से रूबरू हो रहे हैं। ये कल होगा उसकी पूरी जानकारी हमको हमारे जो इस आयोजन समिति के सचिव हैं वो अमिताभ जी देंगे। ये चित्र भारती कृत राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव जो 18, 19, 20 और फरवरी को होने वाला है, तो ये हमारा मुख्य कार्यक्रम है और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन कल जो है भारत भवन में इसकी जो ऐप है, चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल की जो ऐप है, उसका लॉन्च है। कल का जो कार्यक्रम है वो भारत भवन में रखा गया है, ये 12 बजे शुरू हो जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी रहने वाले हैं, प्रमुख सचिव कल्चर शिवशेखर शुक्ला जी आप रहेंगे और पवन मल्होत्रा जी, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काफी प्रमुखता से आप इनको देख पा रहे होंगे। जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं उन्होंने नुक्कड़ नाम का जो सीरियल था उसमें हरी जो साइकिल वाले थे उससे शुरुआत की थी। मेरी स्मृति जो है मेरा स्मृति पटल है उस पर वही याद आता है। और इस कार्यक्रम में आपको ऐप जो है उसका उसकी क्या उपयोगिता है ये भी आपको जानकारी कल मिल जाएगी। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास लाभ उठाना चाहते हैं, चाणक्य शुक्ल जी हमारे साथ में है तो ऐप आप ही ने बनाया है, तो आप चाहें तो आज उनसे भी विषय पर अधिक प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार, ये जो हमारा चित्र भारती का ऐप है इसको हमने मूलतः इस विचार के साथ डेवलप किया है कि जो लोग चित्र भारती से जुड़ना चाहते हैं, उस कार्यक्रम जो है फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग इजीली जुड़ पाए और उनको कार्यक्रम के जो अपडेट्स हैं उसका स्केड्यूल वगैरह है वो उनको इजीली अवेलेबल है। ये हमारा मूल जो विचार है ऐप बनाने के पीछे ये। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हमने लगाए हैं जो लोग ऐप यूज करेंगे वो अपने प्रतिभाव भी इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कार्यक्रम हो गया तो मास्टर क्लास हो गए, वर्कशॉप हो गए, ओपन फॉरम हो गए, तो इस जो वक्ता ने उसके साथ इंटरेक्शन हुआ उसके विषय में भी जिन्होंने अटेंड किया है वो अपने प्रतिभाव रख सकते हैं। तो एक प्रतिभाव लेके आगे कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है ये इसके अंदर से एक और इसका बेनिफिट है। कल एप लॉन्चिंग होगा उसमें जैसा कि अमिताभ जी ने आपको बताया एक इस विषय पर कि सिनेमा, इंटरनेट और ओटीटी भविष्य की दिशा विषय पर परिसंवाद भी है जिसमें प्रखर श्रीवास्तव जी एक प्रमुख पत्रकार हैं वो भी भाग ले रहे हैं और जिसमें पवन मल्होत्रा जी भी रह रहे हैं क्योंकि पवन मल्होत्रा जी एक अभिनेता के साथ साथ सामाजिक सरकारों पर अपना स्पष्ट विचार भी रखते हैं। अभी हाल ही में ओटीटी पर उनकी नंबर आई है जो काफी चर्चित रही है। एप लॉन्चिंग का एक और पहलू जो है वो आपको बताना जरूरी है कि इस ऐप के दौरान जो ये कार्यक्रम बिशनखेड़ी में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के परिसर में होगा तो उसमें अलग अलग अपने विधाओं के माहिर लोग स्मार्ट क्लासेस लेंगे या मास्टर क्लासेस लेंगे जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी इसी ऐप के माध्यम से हो सकेगा। ऐप जो है ये प्ले स्टोर, गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां से भी डाउनलोड होगा और iOS के लिए ऐप स्टोर जो है वहां से भी डाउनलोड, दोनों जगह से ये डाउनलोड हो सकता है। ऐप के माध्यम से जो कार्यक्रम है उनके विषय में अपडेट जो है वो कंटिन्यूस मिलती रहे, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि इजीली ज्वाइन हो सके, उनको पता रहे कि क्या क्या है उसमें। इसमें एक अलग क्या है कि कार्यक्रम जो होंगे उसमें काफी 10-12 से ज्यादा मास्टर क्लास वगैरह होंगे या स्क्रीनिंग होंगे फिल्मों के, तो वो पूरा स्केड्यूल जो है तो कौन सी फिल्म का स्क्रीनिंग कब होगा, कौन से ऑडिटोरियम में कहां पर होगा, वो सारा स्क्रीनिंग का स्केड्यूल वगैरह भी वो ऐप के माध्यम से पता चल सकता। इस पूरे फिल्म फेस्टिवल का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, उसका आधार यह है कि हमारी जो फिल्में जो हमारे अवचेतन मन का भेदन बड़ी सरलता से कर लेती हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, वैल्यू सिस्टम जो है, हमारा जो सोच है उसको प्रभावित करती है,
और दुर्भाग्यवश कई वर्षों से भारतीय मूल्य जो है, जो हमारी सनातन जो परंपरा है, उसका प्रवेश इस मास मीडिया में नहीं हो पाया है। तो भारत की जो सज्जन शक्ति है, चित्र भारती के रूप में यही प्रयास कर रही है, और इस भगीरथ प्रयास में आप सभी का जो सहयोग है वो अपेक्षित है। अब इस ऐप के विषय में, हमारे जो मित्र हैं चित्र भारती का अंग है, इस ऐप को डिजाइन आपने किया है, वो आपको इसके विषय में कल का कार्यक्रम जी।